एडवांस टैक्सेशन का जो पेपर है, ये ACCA पार्ट थ्री का ऑप्शनल पेपर है एडवांस टैक्सेशन। और इस एडवांस टैक्सेशन के पेपर में, विच वॉज प्रीवियसली P6, नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज नाउ द एग्जाम्स आर कंप्यूटर बेस्ड, इट्स CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी कंट्री में किसी लोकेशन पर अब भी जो है वो मैनुअल एग्जाम चल रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशन पर ACCA अब इसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कन्वर्ट कर चुका है। लेकिन अगर ये मैनुअल एग्जाम हो या ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम इज द सेम। इफ यू टॉक अबाउट, अगर मैं फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम पे बात करूँ, विच इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम फॉर्मेट पे बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन ए की टोटल वेटेज हमारे पास जो होती है दैट इज वर्थ 60 मार्क्स। सिमिलरली देर आर टू क्वेश्चंस इन सेक्शन बी और इसकी टोटल वेटेज होती है 40 मार्क्स। ये बात जहन में रहे स्टूडेंट्स के एडवांस टैक्सेशन का पेपर लाइक अदर प्रोफेशनल पेपर्स, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग पेपर एंड आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द टाइम। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस पेपर में फेल होते हैं बॉर्डर पर, लाइक 45 to 50 के दरमियान, एंड द रीज़न इज नॉट कंप्लीटिंग देयर पेपर इंटायरली। कुछ ना कुछ छोड़कर आना, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, वट एवर जो भी है। तो इफ़ यू प्रैक्टिस इन सच अ वे दैट आपका पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा, सो देन देर आर लेस चांसेस कि आप पहली अटेम्प्ट के अंदर ये पेपर पास कर सकते हैं। अब अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज ऑफ 35 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो होता है ये मोस्टली टारगेट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस को। इसके अंदर कोई एक सिंगल एरिया नहीं होता। जिन्होंने पेपर दिया है और जो रिपीट कर रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं, उनको ये आइडिया होगा कि ये जो क्वेश्चन है इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। और अगर हम बात करें टाइम की तो ये आपका अप्रॉक्स 1 घंटा और उसके आसपास जो टाइम है वो ले लेता है। और इसके अंदर मल्टीपल टैक्स इश्यूज पूछे जाते हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स, CGT, IHT, VAT, एग्जामिनर चाहे तो चारों पांचों इश्यूज भी एक सवाल में टारगेट कर सकता है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एन एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये लेंदी बहुत होता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, सवाल की रिक्वायरमेंट को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम कर रही होती है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जी व्हाट टू डू विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो सिलेबस में है इट्स वर्थ 25 मार्क्स। अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेंथ वाइज थोड़ा सा, बहुत ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा कम है। और इसके अंदर भी एग्जामिनर कॉरपोरेशन, IHT, CGT मल्टीपल एरियाज टारगेट करता है। तो ये दोनों सवाल सेक्शन ए के अल्टीमेटली आपको हिट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम ज़ाया कर सकते हैं। अब क्योंकि वेटेज हमारे पास आ चुकी है 60 मार्क्स की, अगर आप इसे रिक्वायर्ड 1.8 मिनट पर मार्क मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1.5 से 1.45 आवर्स के अंदर ये सेक्शन आपका टाइम कंज्यूम करता है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ एज फार एज सेक्शन बी इज कंसर्न, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स का होता है जो कि डेडिकेटेड होता है कॉरपोरेशन टैक्स से। कॉरपोरेशन टैक्स ही एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है एंड क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑलवेज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स।
ये आपके पास चार अदद क्वेश्चंस हैं, चार डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हम लेंथ ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हमारे लिए जो इजी टारगेटेड एरियाज होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4, ये इजीली टारगेटेड हमारे पास एरियाज होते हैं. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई स्ट्रांगली नो बिलीव दैट कि जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है एग्जाम में, यूजुअली उस क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्जिन देता है. क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा मार्जिन होता है. अगर उनका इनकम टैक्स का पोर्शन अच्छा है तो वो यहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट हैज़ टू फोकस इन एग्जाम ऑन दिस सेक्शन बी. अगर वो इस 40 मार्क्स में से मेजॉरिटी मार्क्स उठा लेता है तो उससे सेक्शन ए में प्रॉब्लम नहीं होगी, और सेक्शन ए से मार्क्स लेना कंपेयर टू सेक्शन बी इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दी टू मच इंफॉर्मेशन इन दैट क्वेश्चन. सो एक चीज जो इनिशियल टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि हमें टारगेट रखना है कि हम जो छोटे क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड अपने मैटर्स क्लियर करके चलें, और आइसोलेटेड टॉपिक्स जो हैं उस पर हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रिप होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से मेजॉरिटी मार्क्स उठा लें. अब क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में प्रोफेशनल मार्क्स भी होते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 4 प्रोफेशनल मार्क्स सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होते हैं, और किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर प्रोफेशनल मार्क्स नहीं देता. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं, लिजिबल होता है, क्लियर वर्किंग होती है, तो देर आर चांसेस कि आप इस प्रोफेशनल मार्क्स में से कुछ 1, 2, 3 मार्क्स लेने में कामयाब हो सकते हैं. ये तो बात हो गई हमारी फॉर्मेट की. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में हम पेपर सॉल्व कैसे करेंगे. तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो पहली मर्तबा देने जाएंगे उनके लिए पहले मैं एडवाइस कर रहा हूँ, और जो लोग मैनुअल एग्जाम देंगे वो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैनुअल के तो हम आदि होते हैं. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको वर्ड स्पेस दिया जाएगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, टाइपिंग जिस पर आपको करनी है, यू हैव टू टाइप योर थ्योरी हेयर, योर फॉर्मेट हेयर एंड दी एक्सेल शीट और एक्सेल स्पेस जिसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करके अपने थ्योरेटिकल पार्ट के साथ कनेक्ट करनी. ये दो नॉर्मली आपको स्पेस दिए जाते हैं एक्सेल के और वर्ड के, और आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है. ये इश्यूज हम ग्रेजुअली आगे जाके डिस्कस करेंगे, हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे तो आई विल गाइड यू कि यार कौन से सवाल की रिक्वायरमेंट वर्ड पे ज़्यादा प्रेफरेबल थी. इंटायर कैलकुलेशन है तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आता है तो डू इट इन एक्सेल, इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर कैलकुलेशन इन दैट. तो आपकी टाइपिंग स्पीड और आपकी एक्सेल के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना, लिंक करना चीज़ों को, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप टाइम ज़ाया ना करें. ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, अगर किसी को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली एग्जाम पेपर पूरा नहीं कर सकेगा. अब चलते हैं कि हमारे सिलेबस की कनेक्टिविटी क्या है. तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ. ये जो आपका एडवांस टैक्सेशन का पेपर है, बेसिकली इट्स एन एडवांस पेपर ऑफ टैक्सेशन. ACCA में टैक्सेशन के ये दो लिंकेजेस हैं. अब प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट ने TX जो पढ़ा होता है वो कुछ साल पहले पढ़ा होता है, और स्टूडेंट जब एडवांस टैक्सेशन में आता है तो उसके पास टैक्सेशन के पेपर की नॉलेज या तो होती नहीं है, या अगर होती है तो उसके पास प्रीवियस फाइनेंस एक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, और उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं, कुछ सिलेबस भी रिवाइज हो चुका होता है, या फिर वो भूल चुका होता है कि टैक्सेशन में क्या होता है. तो हमारा जो ये एडवांस टैक्स का सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर इंटायर टैक्सेशन सिलेबस इज इंक्लूडेड. टैक्सेशन का सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड है, और न्यू टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं फ्रॉम ATX एग्जाम. इसका मतलब है आपको एक ह्यूज सिलेबस पढ़ना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, टैक्स के रूल्स को याद रखना है और फिर एग्जाम में अप्लाई करना सीखना है. 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, टैक्स के रूल्स,
जो आपको मेमोराइज करने हैं, टैक्स रूल्स, ये आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर बेस या मैनुअल एग्जाम है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अल्टीमेटली हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो टैक्सेशन के पेपर में हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर रेलेवेंट है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो जब हम टैक्स का पेपर पढ़ते हैं, जब हम टैक्सेशन का पेपर पढ़ते हैं, तो उस टैक्सेशन के पेपर में हमारे पास 5 एरियाज थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 एरियाज थे सिलेबस के अंदर जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको याद आएगा आपने ये एरियाज पढ़े थे। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक था इनहेरिटेंस टैक्स, IHT, इनहेरिटेंस टैक्स 80X सिलेबस में भी मौजूद है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक था वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स भी इनहेरिटेंस एडवांस टैक्सेशन के सिलेबस में मौजूद है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स CGT, ये भी सिलेबस के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कॉरपोरेशन एंड इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन एंड इनकम टैक्स इज द मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस। सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको नज़र आएगी वो कॉरपोरेशन टैक्स की और इनकम टैक्स की वेटेज इस पूरे सिलेबस में नज़र आएगी एडवांस टैक्सेशन के सिलेबस में। तो ये 5 एरियाज आर पार्ट ऑफ एडवांस टैक्सेशन सिलेबस, प्लस एडवांस टैक्सेशन के कुछ अपने नए इशूज़, कुछ अपने नए टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको सिलेबस गाइडलाइन से कनेक्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो सिलेबस गाइडलाइंस है उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है और कितने टॉपिक्स हमें वहाँ से असेस करने हैं। तो अगर आप एक नज़र सिलेबस पे डालते हैं तो देखें ये अप्रोच टू एग्जामिनिंग द सिलेबस यहाँ मेंशन किया हुआ है, एंड इट इज़ द सेम दैट आई टोल्ड यू, द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 2 कंपल्सरी केस स्टडी क्वेश्चंस, 1 इज वर्थ 35 मार्क्स इंक्लूडिंग 4 प्रोफेशनल मार्क्स एंड द क्वेश्चन नंबर 2 हैज 25 मार्क्स। एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा 5 मार्क्स एथिक्स के आते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन होता है जो कि एथिक्स पर बेस हुआ हुआ होता है, जो कि बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा एथिकल चीज़ें, एथिक्स के बारे में चीज़ें पढ़ के जाएं। सो 4 प्रोफेशनल मार्क्स, हाउ टू गेट दैट प्रोफेशनल मार्क्स, ये आपको सीखना है। 5 एथिक्स के मार्क्स, ये 9 मार्क्स ऐसे हैं पेपर में जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। सेक्शन बी कंसिस्टेड ऑफ 2 कंपल्सरी क्वेश्चन कवरिंग बिजनेस यानी कि कॉरपोरेशन एंड पर्सनल टैक्स इश्यूज। सो इंडिविजुअल बिजनेस के भी इश्यूज हो सकते हैं, कॉरपोरेशन के भी हो सकते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल टैक्स कंप्यूटेशन के बारे में सवाल किया जा सकता है। कितने परसेंट थ्योरी आएगी, कितना परसेंट न्यूमेरिकल होगा, तो याद रहे जब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको फेस करने पड़ेंगे। सो थ्योरी और कैलकुलेशन की जहां तक बात की जाए तो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही मुझे करनी है, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको वो तमाम कैलकुलेशन वहाँ पर अप्लाई करनी होगी, आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी होगी, उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करने के सजेशंस देने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक बोथ कैलकुलेशंस एंड नैरेटिव वर्क। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन भी पेपर में मौजूद होती है, सिग्निफिकेंटली मौजूद होती है, और बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। द क्वेश्चन विल बी सिनेरियो बेस्ड एंड मे इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ मोर देन 1 टैक्स। ये एक सबसे बड़ा मसला है, जब हम फंडामेंटल्स में टैक्सेशन का पेपर पढ़ते थे तो वहाँ पर चीज़ें आइसोलेटेड होती थी, IHT आता था सेपरेट, VAT सेपरेट होता था, CGT सेपरेट होता था, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन की वजह से स्टूडेंट इस काबिल नहीं होता कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जामिनर ने उससे क्या चीज़ पूछी है और एग्जामिनर 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। सम एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स में जब हम टैक्सेशन का पेपर पढ़ते हैं तो उसमें टैक्स प्लानिंग की कोई खास बात नहीं की जाती, लेकिन जब हम एडवांस टैक्सेशन पढ़ते हैं तो टैक्स प्लानिंग पर एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग, इसका मतलब ये, मसलन एक शख्स आपके पास आता है, आपको अप्रोच करता है और कहता है कि जी मुझे आपसे टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए, आपको अपने क्लाइंट को देखना है कि आपका क्लाइंट एक इंडिविजुअल है, आपका क्लाइंट एक बिजनेस है,
कोई कॉरपोरेशन है, उसका पास्ट कैसा है, क्या वो एथिकल है, क्या उसका बिजनेस आपको अंडरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये देखने के बाद आप ये देखेंगे कि उस क्लाइंट को आप एडवाइस क्या दे सकते हैं। मसलन एक क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि जी मुझे लाइफ टाइम गिफ्ट्स करने हैं और मेरी एज ऐसी है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप 4 या 5 साल में आपकी डेथ हो जाएगी, तो अब आप उसकी जो भी वेल्थ है उसमें लाइफ टाइम गिफ्ट्स में एडवाइस देना, डेथ की एडवाइस देना, उसके लिए बेनिफिशियल एडवाइस, उसके जो बच्चे हैं या जिनको वो प्रॉपर्टी या एसेट गिफ्ट करना चाहता है उनके बेनिफिट्स के लिए, टैक्स प्लानिंग मेजर्स के ज़रिए टैक्स को लाइबिलिटी को मिनिमाइज करना जेन्युइनली और लीगली, ये किस तरह से किया जाएगा, एंड दी इंटरेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है एग्जाम के अंदर जिसको हमें टैकल करना है। एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का और 15 मिनट का होगा, 15 मिनट्स आप रीडिंग टाइम प्लानिंग टाइम आपको दिया जाता है। टैक्स रेट्स अलाउंसेस इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन रिलीफ्स विल बी गिवन यू इन द एग्जाम। जिस तरह टैक्सेशन के पेपर में आपको 3 to 4 pages की एक शीट मिलती थी, इसी तरह यहाँ पर भी आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो आपको दे दिए जाएंगे और आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम इसका रैशनल देखें तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, जो मेन कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि एग्जामिनर की हमसे एक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या क्या करना है। देखिए उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है 5 एरियाज़ के अंदर। ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ दिस एग्जाम कैंडिडेट शुड बी एबल टू, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अप्लाई फर्दर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूके टैक्स सिस्टम। जब हम ये बात करते हैं कि यूके टैक्स सिस्टम की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो पूरा फाइनेंस एक्ट में जो 5 एरियाज आपको बताए गए मिनिमम, उसकी कंप्लीट टैक्स नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए पर्सनल अलाउंस कितना होता है, आपको पता होना चाहिए पर्सनल अलाउंस रिड्यूस कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितने करते हैं तो टैक्स नहीं लगता, कितनी करते हैं तो टैक्स लग जाता है, एनुअल अलाउंस चार्ज क्या होता है, हाउ टू टैक्स नॉन सेविंग इनकम, व्हाट इज निल रेट बैंड ऑन सेविंग इनकम। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉपर्टी बिजनेस है तो प्रॉपर्टी बिजनेस के लॉसेस को कैसे ऑफसेट किया जाएगा, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या ट्रेडिंग बिजनेस के लॉसेस को हम कैरी बैक कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपका अकाउंटिंग डेट और आपका टैक्स डेट डिफरेंट है तो बेसिस पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होगी, लॉसेस को ऑफसेट कैसे किया जाएगा, सो एंड सो ऑन। ये एक टैक्स सिस्टम है पूरा जो आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है और उसके अंदर आपको कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का एक टॉपिक है जो कि टैक्सेशन के सिलेबस में नहीं था, यहाँ आया। इसके अलावा ओवरसीज टैक्सेशन इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक के साथ ओवरसीज के एस्पेक्ट्स हैं, वेदर इट्स इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, CGT, VAT और IST, कि अगर आप बाहर हैं तो बाहर कुछ काम करते हैं, बाहर से कुछ कमाते हैं, बाहर कुछ बेचते हैं तो उसके UK टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और इसी से कनेक्टेड आपका एक टॉपिक बनता है जिसको हम नाम देते हैं रेजिडेंस एंड डोमिसाइल स्टेटस। अब रेजिडेंस तो टैक्सेशन लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन डोमिसाइल का जो स्टेटस है और कैसे डोमिसाइल चेंज होता है कि कैसे आप UK डोमिसाइल पे बरकरार रहते हैं, ये चीज़ें आप इसके अंदर नहीं सीखेंगे। प्लस कुछ नई चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल स्टैम्प टैक्सेस क्या होते हैं, शेयर्स के ऊपर कैसे लगते हैं, लैंड के ऊपर स्टैम्प टैक्सेस कैसे लगते हैं, तो जो नए एरियाज हैं उनको हम आइसोलेट कर लेंगे क्योंकि ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर तो एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि ये पहली दफ़ा स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। इसी तरह अगर आपने कॉरपोरेशन टैक्स पढ़ा है पास में तो आपको पता होगा कि जब ग्रुप स्ट्रक्चर बनता है तो 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक 51% ग्रुप होता है, एक 75% ग्रुप होता है लॉस ग्रुप, और एक 75% कैपिटल गेन ग्रुप होता है। यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है कंसोर्शियम का, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और अपने लॉसेज और गेन को वहाँ पर ऑफसेट करने की पोजिशन डेवलप करती है। इसी तरीके से आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रेलेवेंट टैक्स ऑन वेरियस सिचुएशन। ऊपर तो वो बात कर रहा है कि टैक्स सिस्टम को समझें, नीचे बात कर रहा है उसको अप्लाई करें और आपस में उसकी कनेक्टिविटी बिल्ड करें। जैसे एक कनेक्टिविटी बनती है कि अगर एक शख्स का बिजनेस है
सोल ट्रेडर का बिजनेस है और उसे वहां से लॉसेस होते हैं, तो वो उसे इनकॉर्पोरेट कर ले किसी कंपनी के अंदर, तो वो एक आपको एक एडिशनल नया टॉपिक मिलेगा इनकॉर्पोरेशन रिलीफ का. दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स. इसके साथ आप एडवाइस देते हैं इस क्लाइंट को मिनिमाइज करना और टैक्स लायबिलिटीज को डेफर करना बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड टैक्स प्लानिंग मेजर्स. ये बात ध्यान में रहे कि या तो हम टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज करें यूजिंग डिफरेंट रिलीफ्स, जैसे पर्सनल अलाउंसेस हो गए, डोनेशंस हो गए, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ प्लानिंग, फैमिली के जो इश्यूज होते हैं उसके जरिए टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सकता है. डेफरिंग टैक्स लायबिलिटी भी एक टेक्निक है. जैसे अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो जब हम कोई एसेट सेल करते हैं और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ड्यू होता है, तो अगर उस एसेट को की प्रोसीड को हम उठाकर किसी नए एसेट में इन्वेस्ट कर दें तो टैक्स अथॉरिटी आपको एक रिलीफ देती है जिसका नाम होता है रोल ओवर रिलीफ. तो अब ये एक डेफरिंग की एक टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की, तो आपके क्लाइंट को आप वो डेफरिंग टेक्निक भी एडवाइस कर सकते हैं ताकि उसकी लायबिलिटी आज टैक्सेबल ना हो बल्कि फ्यूचर ईयर्स के अंदर उसको टैक्स किया जाए. इसी तरह आप कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, क्लाइंट के साथ. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर. आप कम्युनिकेट करेंगे एचएम कस्टमर के साथ, इसमें पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक आता है, आपके इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी वैट की एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी आईएसटी की एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी कॉरपोरेशन टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदर प्रोफेशनल्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. तो ये आपकी मेन कैपेबिलिटीज हैं, टैक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, उसे डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करना, प्लानिंग, डेफरिंग ऑफ लाइबिलिटीज एंड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ योर क्लाइंट, जो कि यहाँ इन्होंने पांच एरियाज के अंदर इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ. तो ये मैंने आपको कुछ पेपर सिस्टम के बारे में बताया, कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया और हमने बात की. अब किसी के माइंड में कोई सवाल है तो फॉर द टाइमिंग आप सवाल पूछें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. अब देखें, एक नज़र अगर आप देखें तो आपके पास विंडो में कुछ पास रेट्स नज़र आ रहे होंगे. सेप्टेम्बर 2019 36% वॉज द रिजल्ट. उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रिजल्ट 1% डाउन हुआ, 35%, और उसके बाद मार्च 2020 में रिजल्ट वॉज फिनोमिनल, वेरी वेरी गुड रिजल्ट, 44%. इस मार्च 2020 के अंदर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान आया था. इट वॉज बेस्ड ऑन पेंशन इनकम और वो कई दफा पास पेपर में पूछा जा चुका है. किट के अंदर भी वो सवाल मौजूद थे उसी पैटर्न के ऊपर. तो इट माइट बी पॉसिबल के ड्यू टू दैट क्वेश्चन हो सकता है पासिंग क्राइटेरिया बढ़ गया हो, मे बी, इट्स माय असेसमेंट. उसके बाद सितंबर 2020 में जब ये कोविड 19 वगैरह पीक पर था, पेपर दोबारा डाउन हुआ, 38 पे पहुंचा, फिर दिसंबर में स्लाइटली 2% अप हुआ. अब मार्च के अंदर स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया है, लेट्स सी कि उनका रिजल्ट क्या आता है. लेकिन आप इसको अगर ट्रिपल ए से कंपेयर करें, एपीएम से कंपेयर करें और एएफएम से कंपेयर करें तो उनके रिजल्ट्स इज मोर और लेस 30-35 के दरमियान रहते हैं. लेकिन इसका रिजल्ट अगर आप चेक करें तो 44 को भी टच कर रहा है, 40 को भी टच कर रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डिसेंट तरीके से प्रिपरेशन करें तो ये पेपर आपका पहली अटेम्प्ट में पास हो सकता है. अच्छा, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, देखें आपको पेपर पास करने के लिए बहुत दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत स्पेसिफिक रिसोर्सेज आपको एडवाइस करूंगा अगर आप उसको फॉलो कर लें. नंबर वन इज़ सूटेबल लेक्चर्स. आप किसी से भी पढ़ें, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी के लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि लेक्चरर जो होता है, जो ट्यूटर होता है, वो आपको डिफ़िकल्ट टेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ईजी करके समझा देता है. आपकी टाइमिंग भी बचती है, आपकी जो ना वो इजीली भी आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. उसके साथ लेक्चर्स आप लेंगे, आपको नोट्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर रीड करना है, टेक्स्ट के रूल्स को मेमोराइज करना है, ठीक है, और साथ साथ आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ आपको एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है. कैलकुलेशन प्लस थ्योरी बोथ. और उसके बाद में रेट करता हूं बुक को, बुक एट द लास्ट. जिसके पास इनफ टाइम है, एडिशनल टाइम है, तो वो बुक को रेफर करेगा.
अदरवाइज आपको बुक रेफर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको सेलेक्टेड एरियाज में गाइड किया जाएगा कि यहाँ बुक रेफर करना ज़रूरी है, ये वो एरियाज हैं जिनमें बुक पढ़ना एक मरतबा ज़रूरी है। अदरवाइज आपके जो तीन एरियाज हैं वो एरियाज इनफ होंगे जो आपको इस एग्ज़ाम में पास करवाने में हेल्प आउट करेंगे। आई अगेन एम्फेसाइज लेक्चर्स इंक्लूडिंग नोट्स और लेक्चर के अंदर जो प्रैक्टिस की जा रही होगी और आप लोगों को जो प्रैक्टिस दी करने को दी जा रही होगी, आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा होगा कि आपको ये किट का क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ट्राई करके ट्यूटर को भेजना है कि मैंने ये अटेम्प्ट किया एक्सेल में या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में, तो क्या मैंने सही अप्रोच किया या नहीं किया। ये तब पॉसिबल होगा जब आप टीचर के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करें। फॉर दोज स्टूडेंट्स, यानी कि मैं मुस्लिम स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये उर्दू वर्जन है, तो आई कैन गेस मेजॉरिटी और मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो अभी जून की अटेम्प्ट में हमारे लिए एक रमज़ान का बीच में सेशन आने वाला है 30 डेज का, वो कैसे यूज़ करना है, उसमें प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग, वो भी आपको जो है ना थोड़ी सी टिप्स वगैरह उसके ऊपर दी जाएंगी। अच्छा जी, हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स से स्टार्ट लेने का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरी लॉजिक है इनहेरिटेंस टैक्स से स्टार्ट लेने की, यूजुअली मैं नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा जो लॉजिक है वो ये है कि ये एक आइसोलेटेड एरिया है जिसकी तकरीबन 3 चैप्टर्स यूजुअली बुक के अंदर अवेलेबल होते हैं। मैं कैपलान के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, कैपलान को बेस बनाकर बात कर रहा हूँ। तो ये एरिया आप कवर कर लेते हैं अगर, तो इस एरिया से कभी भी पूरा सवाल नहीं आता। इस एरिया से एग्जामिनर जो है वो पार्ट क्वेश्चन पूछता है इन डिफरेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछ सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आईएसटी के ऊपर। बाज़ दफ़ा इसकी वेटेज जो है वो 14-15 नंबर तक भी चली जाती है, तो इसका हमें कुछ भी नहीं पता कि इसकी वेटेज क्या होगी, लेकिन इज अ पार्ट क्वेश्चन ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है और किसी और क्वेश्चन में भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है। थोड़ी सी अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बेसिक्स पे बात की जाए, तो इनहेरिटेंस टैक्स एक ऐसा टैक्स इशू है जो दो चीज़ों को कवर करता है। किसको कवर करता है इनहेरिटेंस टैक्स? कवर करता है गिफ्ट्स को। कौन से गिफ्ट्स? जो कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी पर्सन को देता है, जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट्स। तो अगर आपके सिलेबस में सवाल आता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 लाख पाउंड की कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, मिस्टर ए ने अपनी बेटी को शेयर्स गिफ्ट कर दिए, मिस्टर ए ने ट्रस्ट को एक बिल्डिंग उठा के दे दी, सो दैट विल बी सब्जेक्ट टू इनहेरिटेंस टैक्स, जो कि लाइफ टाइम गिफ्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, तो जब एक शख्स की डेथ होती है तो वो अपनी विल के अंदर ये लिख कर जाता है कि मेरी डेथ स्टेट के अंदर जो कुछ है वो किसको मिलेगा। विल के अंदर जो वसीयत की जाती है, जो विल लिखी जाती है, उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि वो वसीयत करके जाता है कि कुछ चीज़ें वाइफ को मिले, कुछ चीज़ें हस्बैंड वाइफ होगी तो वो हस्बैंड के लिए ट्रांसफ़र करके जाता है, कुछ जो है वो अपने बेटे या बेटी को ट्रांसफ़र करके जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपने ब्रादर या सिस्टर को ट्रांसफ़र करके जाते हैं, और कुछ चिल्ड्रेन को या ग्रैंड चिल्ड्रेन को ट्रांसफ़र करके जाते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास डेथ स्टेट के अंदर आती है चीज़। अच्छा, एक बात जहन में ये रखनी है कि टैक्स के पेपर में देर आर सो मेनी रिलीफ्स, देर आर सो मेनी एग्जामिशंस। सिमिलरली जो आईएचटी है, आईएचटी के अंदर भी देर आर सो मेनी एग्जामिशंस, तो हाउ कैन यू यूज द बेस्ट ऑफ द एग्जामिशंस? अगर वो एग्जामिशंस अवेलेबल हैं तो उन एग्जामिशन को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जामिशंस की बात करूँ, तो एक एग्जामिशन में यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा विच इज़ कॉल्ड इंटर स्पाउस एग्जामिशन। इंटर स्पाउस एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि हस्बैंड टू वाइफ या सिविल पार्टनर, ये दो पार्टीज के लिए अवेलेबल होती है। मैरिड कपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ एंड सिविल पार्टनर अरेंजमेंट। तो हस्बैंड टू वाइफ अगर कोई गिफ्ट दिया जाए, सिविल पार्टनर्स में आपस में कोई गिफ्ट किया जाए, तो वो गिफ्ट बोथ लाइफ टाइम
एज वेल एज डेथ स्टेट, ये टैक्सेबल नहीं होते, ये एग्जेम्प्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आप उसको एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे मेंशन करेंगे तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे कि जी ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर टैक्स वाले कोई टैक्स ट्रांसफर के ऊपर नहीं लगाते, चाहे वो लाइफ टाइम गिफ्ट हों या डेथ स्टेट के ऊपर गिफ्ट हों। तो आइडियली अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करना है तो आप हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर करके चला जाए, वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर करके चला जाए, एक सिचुएशन हो सकती है पॉसिबल। अच्छा जी, इसके अलावा देर आर पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं उसमें एग्जेम्पशन है, चैरिटी को देते हैं उसमें एग्जेम्पशन है, शादी पे देते हैं उसमें एग्जेम्पशन है, स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ फिर हमारे पास जो लाइफ टाइम गिफ्ट्स आते हैं, लाइफ टाइम गिफ्ट्स को हम तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी होती है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एक कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है पीईटी, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है सीएलटी। पीईटी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, एंड सीएलटी स्टैंड्स फॉर चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा, सिविल पार्टनर के अलावा, जब किसी को लाइफ टाइम गिफ्ट दिया जाएगा तो क्या वो हमेशा टैक्सेबल होगा, या कुछ और सिचुएशन ऐसी हमें नजर आएंगी आगे जाके जब वो एग्जाम भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें उसकी क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी। अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है जो कि सीएलटी में फॉल होता है, ये कैसे पता लगेगा सीएलटी है? अगर आप किसी ट्रस्ट को गिफ्ट देते हैं तो ट्रस्ट को गिफ्ट देना सीएलटी में फॉल होता है। और इसके अलावा अगर आप अदर देन ट्रस्ट की बात करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स एंड मेंबर्स को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे को गिफ्ट देना, डॉटर को गिफ्ट देना, ब्रदर को गिफ्ट देना, ये लाइफ टाइम गिफ्ट जो है वो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के अंदर आता है, और सीएलटी जो होता है वो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर में आता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे ही आपने एक पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर किया, किसको किया होगा? एक शख्स ने अपने बेटे को गिफ्ट किया, अपनी ज़िंदगी में बेटी को गिफ्ट किया, वाइफ को गिफ्ट किया, ब्रदर को गिफ्ट किया, सिस्टर को गिफ्ट किया, तो तमाम इस कैटेगरी में आते हैं। वाइफ और हस्बैंड वाले को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हैं। बाकी जो गिफ्ट होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे एज पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। सो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में दो कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? सो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर जब भी होगा तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिस वक्त ट्रांसफर किया जा रहा होगा उस वक्त इसकी क्वालिटी ये है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट है। व्हाई इट इज पोटेंशियली एग्जेम्प्ट? अगर गिफ्ट करने वाला, जिसको हम डोनर कहते हैं यूजुअली, अगर डोनर गिफ्ट करने के 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, विद इन 7 years या आफ्टर 7 years। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रूल इन यूके कि आप गिफ्ट करते हैं अगर किसी इंडिविजुअल को, तो ना गिफ्ट देने वाले को टैक्स देना पड़ रहा है, ना गिफ्ट लेने वाले को टैक्स देना पड़ रहा है, इट्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। लेकिन फिर उसके डेथ के वक्त कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। किसकी डेथ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रांसफरर या डोनर की डेथ की बात कर रहे हैं। अगर गिफ्ट करने के विद इन 7 years उसकी डेथ हो जाती है, पहला सिनेरियो, 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई, 1 साल बाद हुई, 2 साल बाद हुई, 4 साल बाद हुई, 5 साल बाद हुई, तो अब ये टैक्सेबल हो जाएगा और इसके ऊपर टैक्स रिसीवर को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? रिसीवर ऑफ द गिफ्ट को टैक्स देना पड़ेगा, बेटे को, बेटी को, या वट एवर जो भी पर्सन होगा। तो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में ये 7 साल का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर गिफ्ट करने के 7 साल गुजर जाते हैं, लाइक 8 साल बाद उस शख्स की डेथ होती है, सो इन दैट सिनेरियो इट्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, क्योंकि इसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है।
लेकिन इसके अंदर ये भी मार्जिन मौजूद है कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट ना हो, ये पूरा का पूरा आपको टैक्स देना पड़ रहा हो, एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर एक लाइफ टाइम ट्रांसफर है, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है जो हमने ट्रस्ट को गिफ्ट किया है, क्या ट्रस्ट वाले सिनेरियो में भी यही सिनेरियो बनेगा जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में बना है? नहीं, ऐसा नहीं। इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं लाइफ टाइम और डेथ के अंदर। लाइफ टाइम में गिफ्ट दिया तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इसके ऊपर ये टैक्सेबल होता है। यानी कि अगर आप कोई भी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर करते हैं तो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर इमीडिएटली टैक्सेबल होगा। कौन देगा टैक्स? इसमें चॉइस है। इसमें डोनर भी इनिशिएट कर सकता है कि टैक्स में दूंगा, इसके अंदर डोनी भी इनिशिएट कर सकता है कि टैक्स में दूंगा। डोनी कहा जाता है ट्रस्ट को। तो यहां पर क्वेश्चन में वो मेंशन करता है कि या तो डोनर टैक्स देगा या डोनी टैक्स देगा। दोनों के अपने अपने रेट्स हैं। डोनर अगर टैक्स देता है तो इट इज सब्जेक्ट टू 25% रेट, आगे जाके बताऊंगा व्हाई इट्स डिफरेंट, और इट्स सब्जेक्ट टू 20% रेट। हालांकि जो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है उसका टोटल टैक्स रेट जो है वो 40% है। तो व्हाई इट इज 20%? बिकॉज इट्स पार्शियली टैक्सेबल। आधा टैक्स आपसे लिया जा रहा है या समवॉट पार्शियली टैक्स लिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब अगर उस शख्स की डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर या उस शख्स की डेथ होती है आफ्टर 7 ईयर्स, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनेंगे? अगर उस शख्स की डेथ 7 साल के अंदर हो जाती है तो अल्टीमेटली आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और वो एडिशनल टैक्स, डोनर तो मर चुका, कौन देगा? वो एडिशनल टैक्स हमेशा ट्रस्ट देगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल 7 साल गुजर जाते हैं तो अब फर्दर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो जो एडिशनल टैक्स लगने वाला था वो एडिशनल टैक्स अब माफ हो गया। नाउ देयर इज नो लॉन्गर एनी एडिशनल टैक्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और डेथ ऑफ द डोनर। अब आप देखें, ये एक रूल है, इसको आप क्लियर कर लें कि पीटी का क्या सिनेरियो है और सीएलटी का क्या सिनेरियो। अगर आप इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको एडवाइस देने में भी आसानी होगी, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी, और आपको इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी सही तरीके से हासिल हो सकती है। अब देखें, आपको यहाँ पर एक पावर पॉइंट स्लाइड नज़र आ रही है इनहेरिटेंस टैक्स की। अगर हम इसको देखें आगे तो अब ये देखें, आपके पास ये पहली इसका जो स्लाइड है, इसका पहला पेज विच रेफर्स टू के इनहेरिटेंस टैक्स लगता किस चीज़ के ऊपर। सो द एप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स इज चार्ज्ड ऑन किस चीज़ पे लगता है? देखें, इनकम टैक्स जो लगता है वो सैलरी पे लगता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है, प्रॉपर्टी की इनकम पे लगता है, इंटरेस्ट पे लगता है, डिविडेंड पे लगता है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स है किस बला का नाम, किस चीज़ के ऊपर लगता है। तो इनहेरिटेंस टैक्स लगता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के ऊपर। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक शख्स के पास 2,00,000 pounds थे, उसने 50,000 pounds निकाल के किसी और शख्स को दे दिए, तो अब उसके पास 1,50,000 pounds बचे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर, जितनी उसकी वैल्यू के अंदर डाउनफॉल आया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। किस चीज का ट्रांसफर? किसी चार्जेबल प्रॉपर्टी का। अब इस लेवल के ऊपर चार्जेबल प्रॉपर्टी इज नॉर्मली एक एसेट हो सकता है, कैश हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, किसी भी चीज को हम चार्जेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो कि नॉर्मली एक गिफ्ट कहलाता है। और तीसरी चीज है चार्जेबल पर्सन। चार्जेबल पर्सन की बात की जाए तो सिर्फ इंडिविजुअल को आईएचटी देना पड़ता है, कॉरपोरेशन वगैरह के लिए आईएचटी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल इज अ चार्जेबल पर्सन। सो आईएचटी चार्ज करने के लिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए फ्रॉम अ पर्सन पॉकेट,
चार्जेबल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए और बाय अ चार्जेबल पर्सन होनी चाहिए। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होती हैं तो इसका मतलब है यू आर लायबल टू पे आई एच टी। सिमिलरली यहाँ पर एक इशू आता है जो हम डिस्कस करते हैं, वेदर दैट पर्सन इज यूके डोमिसाइल्ड और नॉट। अब एक पर्सन यूके डोमिसाइल्ड है या नॉन यूके डोमिसाइल्ड है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डोमिसाइल का इशू इज हाईली लाइकली टॉपिक, इसको आप अच्छी तरह से करेंगे फ्यूचर में। तो अगर एक शख्स यूके डोमिसाइल्ड है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे, अगर एक शख्स नॉन यूके डोमिसाइल्ड होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट, वो आपको सिखाया जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन, अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज अ गिफ्ट ऑफ एनी एसेट विच रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोनर्स स्टेट, यानी कि डोनर की जो स्टेट है, जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं, उसकी वैल्यू के अंदर रिडक्शन आना। ये कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? सो इसका तरीका ये होता है कि आप वैल्यू ऑफ स्टेट निकालें बिफोर गिफ्ट, उसमें से माइनस कर दें वैल्यू ऑफ स्टेट आफ्टर गिफ्ट, ये इसमें से माइनस कर दें तो आपके हाथ में ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आई विल कैलकुलेट कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू अगर ना दी जाए तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली एग्जाम में शेयर्स के केस में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नॉर्मली गिवन नहीं होती। अगर एक कंपनी के 10,000 शेयर्स मेरे पास हैं और 2,000 शेयर्स में किसी को ट्रांसफर कर देता हूं तो उसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसे हम सीखेंगे किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो ट्रांसफर मस्ट बी आ लाइक, बाज दफा ऐसा होता है कि मैंने आपको कोई चीज दी तो किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में आपको दे रहा हूं, तो ट्रांसफर जो है ना ऐसा होना चाहिए जिसमें सामने वाले को कोई कंसिडरेशन नहीं रिसीव हो रही। याद रखें, अगर आप किसी शख्स को कोई चीज ट्रांसफर करें और वो आपको कोई कंसिडरेशन दे रहा है तो फिर वो इस डेफिनेशन के अंदर इट्स नॉट अ गिवन, इट्स अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो फिर वो आईएसटी के कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं आएगा, लाइक सीजीटी के कॉन्सिक्वेंसेज में चला जाएगा। तो ये बगैर किसी कंसिडरेशन के गिफ्ट देना है, चाहे वो लाइफ टाइम गिफ्ट हो या वो डेथ स्टेट के ऊपर गिफ्ट दिया जाए। चार्जेबल पर्सन कौन हो सकता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू चार्जेबल पर्सन कौन हो सकता है, ऑल इंडिविजुअल्स आर पोटेंशियली लायबल टू आईएचटी बिकॉज दे आर चार्जेबल पर्सन। एन इंडिविजुअल हु इज डोमिसाइल्ड इन यूके, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर एक शख्स यूके डोमिसाइल्ड है, ये पता कैसे चलता है कि डोमिसाइल्ड इन यूके होगा या नॉट होगा या डीम डोमिसाइल होगा, इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे जाके। अगर एक शख्स डोमिसाइल इन यूके है तो उसे इनहेरिटेंस टैक्स तो देना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मुसीबत ये है कि पूरी दुनिया में उसके पास जो वर्ल्ड वाइड एसेट्स हैं उसका टैक्स उसे यूके में देना। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने एक एसेट जो कि यूएसए के अंदर है वो किसी को गिफ्ट करता है, तो उसके ऊपर भी आईएसटी आपको कहाँ देना पड़ेगा? यूके के अंदर देना पड़ेगा, और फिर वहां से डबल टैक्सेशन और प्रॉब्लमेटिक एरियाज शुरू होंगे जिसको हम ओवरसीज के अंदर कवर करते हैं, ओवरसीज टैक्स के इश्यूज के अंदर देखते हैं। इसी तरीके से अगर एक शख्स यूके डोमिसाइल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज हैविंग सम बिलोंगिंग्स इन यूके, अ पर्सन हैज गिफ्टेड समथिंग इन यूके बट इज नॉट यूके डोमिसाइल, वो यूके डोमिसाइल नहीं है, तो दे आर जनरली ओनली लायबल ऑन यूके एसेट्स ओनली। अगर मैं यूके एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ और यूके रेजिडेंट नहीं हूँ तो मुझे यूके एसेट्स के ऊपर तो आईएचटी यूके में देना है, वर्ल्ड वाइड पे देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपकी एक प्लानिंग आती है कि क्लाइंट आपका है और वो ऑलरेडी यूके डोमिसाइल्ड है और वो ओवरसीज मूव करने की बातें कर रहा है। एक शख्स है आपका क्लाइंट, वो नॉन यूके डोमिसाइल्ड,
और वो यूके आने की बातें कर रहा है। तो आपको केयरफुली क्लाइंट को एडवाइस देनी है कि देखें जी, अगर आप इतने दिन यूके में रहेंगे तो आपका रेजिडेंस क्रिएट हो जाएगा, अगर आप इतने दिन यूके में नहीं रहेंगे तो आपका रेजिडेंस स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपके रिलीफ ख़त्म हो जाएंगे। ये एक क्रूशल एरिया है जो आपको अपने दिमाग में आगे जाके रखना है और उसको यूज़ करना है। अब देखें, लाइफ टाइम गिफ्ट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ टाइम गिफ्ट्स, वन इज कॉल्ड दी पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, अदर इज कॉल्ड दी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर, जो कि हम इसको देते हैं, जो कि हम ट्रस्ट को गिफ्ट करते हैं लाइफ टाइम के अंदर। इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं तो ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर आपके सामने आ गया। अ पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर इज अ लाइफ टाइम गिफ्ट मेड बाई एन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, क्लियर। With a pet, the original assumption is that the gift will be exempt. There is therefore no IHT liability at the date of the gift. So, देखें जी, अब अगर donor survive करता है more than 7 years, ये दूसरा rule है, the pet becomes completely exempt and is ignored for IHT purpose. आगे जाकर हम annual exemptions वगैरह पे बात करेंगे। So, ये completely एक rule हमें पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर का हमारे सामने नज़र आ रहा था और हम उस पर बात करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जेम्पशंस की तरफ, सर्टेन एग्जेम्पशंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उन एग्जेम्पशंस को हम ओवरऑल देखते हैं। देखें जी, लाइफ टाइम एग्जेम्पशंस हों या एट द टाइम ऑफ डेथ हों या डेथ स्टेट के ऊपर हों, आपको सर्टेन एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, जिसमें से वन ऑफ द एग्जेम्पशन इज़ वेरी क्रूशल एंड दैट इज कॉल्ड द एनुअल एग्जेम्पशन। अब आप एनुअल एग्जेम्पशन पे फोकस करें कि ये एनुअल एग्जेम्पशन कैसे मिलती है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। हर साल आपके पास एक अदद एनुअल एग्जेम्पशन होती है और ये एनुअल एग्जेम्पशन लाइफ टाइम गिफ्ट्स के लिए होती है, सिर्फ लाइफ टाइम गिफ्ट्स, ये डेथ स्टेट के लिए नहीं होती। अब इसके अंदर आपको ख्याल ये रखना है कि कॉन्सेप्ट मिक्स ना हो जाए, कौन सी एग्जेम्पशन लाइफ टाइम पे मिलती है सिर्फ, कौन सी एग्जेम्पशन सिर्फ डेथ पे मिलती है और कौन सी एग्जेम्पशन लाइफ टाइम गिफ्ट्स एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ स्टेट पे मिलती है, इनको अलग अलग करना। हर साल पहले 3000, फर्स्ट 3000 ऑफ गिफ्ट ईच ईयर इज एग्जेम्प्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की है तो 3000 का एग्जेम्पशन आप उसमें से माइनस कर दें, यह तो करंट ईयर की एग्जेम्पशन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर पिछले साल भी आपके पास एनुअल एग्जेम्पशन का 3000 पड़ा हुआ था और वो यूटिलाइज नहीं हुआ था तो वो अनयूज्ड एक साल का कैरी फॉरवर्ड होके इस करंट ईयर के अंदर आकर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, करंट ईयर का आपके पास आ गया 3000 और लास्ट ईयर का आ गया आपके पास 3000, तो टोटल एनुअल एग्जेम्पशन आपके पास आ गई 6000। अब ये सवाल में आपको पिक करना पड़ेगा कि करंट तो अवेलेबल है, क्या लास्ट ईयर की 3000 भी अवेलेबल है या वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है, लेकिन इसे आप मैक्सिमम 1 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स ईयर आपका 18-19 है तो आप 19-20 तक इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये बात जहन में रहे कि हम IHT की जो भी वर्किंग करते हैं वो किसी भी गिवन टैक्स ईयर के अंदर करते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल इंसाइट देता हूं और एक न्यूमेरिकल इंसाइट की तरफ हम चलते हैं कि किस तरीके से ये जो एग्जेम्पशन है उसको यूज़ किया जाता है। उसी उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका टैक्स ईयर है उसका नया फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हो गया है, विच इज़ फाइनेंस एक्ट 20, जिसने प्रीवियसली पढ़ा है वो 1920 था, मार्च तक 1920 एप्लीकेबल था, अब ऑनवर्ड्स आपको 2021 फाइनेंस एक्ट 20 के रूल्स के हिसाब से चलना है। और हमारा जो टैक्स ईयर है इंडिविजुअल का यूके के अंदर वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से फॉलोइंग 5 अप्रैल, यह आपका एक स्टैंडर्ड टैक्स ईयर है। तो फाइनेंस एक्ट 20 या 2021 को हम इस तरह से लिखेंगे कि 6 अप्रैल 20 से 5 अप्रैल 21, इस टैक्स ईयर के अंदर अगर आपका कोई लाइफ टाइम गिफ्ट या डेथ स्टेट आती है तो इट विल बी कवर्ड अंडर टैक्स ईयर 2021 और इसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं।
तो 12 महीने का जो पीरियड है यूके के अंदर इंडिविजुअल के लिए वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 5 अप्रैल पे जाकर ये टैक्स ईयर क्लोज हो जाता है। और IHT हमेशा टैक्स ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और इसी के हिसाब से उसकी पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट वगैरह हम आगे जाके आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जेम्पशन और मैं डिस्कस कर रहा था एनुअल एग्जेम्पशन। कि एनुअल एग्जेम्पशन कितनी होती है, तो एनुअल एग्जेम्पशन आपको मिलेगी करंट ईयर की 3,000 जिस ईयर में गिफ्ट होगा, और लास्ट ईयर की अगर कोई अनयूज्ड होगी तो दैट अनयूज्ड कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। रिमेंबर सिर्फ 1 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अब देखें किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे और किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। सपोज एन इंडिविजुअल हैज मेड अ गिफ्ट टू हिज सन 2,50,000 pounds ऑन 1st July 2020। अब आप देखें ये जो गिफ्ट है इज इट अ पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर? यस, क्योंकि बेटे को दिया है, इट्स अ पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। क्या ये टैक्स ईयर में फॉल हो रहा है? यस, क्योंकि ये 2021 के अंदर फॉल हो रहा है, ये 6 अप्रैल के बाद है, 5 अप्रैल से पहले है। इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है 2,50,000 pounds एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू चल रही होगी। अब इसके अंदर से इस साल लेट सपोज ये इसका एक ही गिफ्ट है पहला, इसने इससे पहले जिंदगी में कभी गिफ्ट नहीं दिया, तो 2021 की करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इसे? इसे एनुअल एग्जेम्पशन मिलेगी 3,000 pounds, करंट ईयर की 3,000 pounds ये एनुअल एग्जेम्पशन इसे मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीछे के जो 1920 की एग्जेम्पशन है, ये तो 2021 की हो गई, जो 1920 की वैल्यू है उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल इसने कोई गिफ्ट नहीं किया था और पिछले साल की पूरी एग्जेम्पशन अनयूज्ड, लास्ट ईयर की पूरी एग्जेम्पशन अवेलेबल है 19-20 की, जिसे वो अपने पास एड ऑन कर सकता है। सो यहां पर आपके पास 2,46,000 का ये जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम कहेंगे चार्जेबल अमाउंट। ऑल्दो पीईटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जिस ईयर में भी पीईटी किया जाएगा तो आप इस तरह से ये चार्जेबल अमाउंट की कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है, ये आपको करनी पड़ेगी चार्जेबल अमाउंट, ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि एक ही साल में 2 गिफ्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपने पैट किया, पहला पैट किया उसने अपनी डॉटर को, उसकी वैल्यू थी सपोज फॉर एग्जांपल 28,000। फिर एक गिफ्ट किया उसने अपने बेटे को जिसकी वैल्यू थी 2,80,000। अब आपको चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है और इसकी डेट है 1st July 2020, इसकी डेट है 1st September 2020। अब आपको दोनों का चार्जेबल अमाउंट निकालना है। तो ये बात याद रहे कि जो एग्जेम्पशन होगी वो हमेशा पहले गिफ्ट के ऊपर पहले अप्लाई होगी। अगर पहले गिफ्ट ने आपकी एग्जेम्पशन यूटिलाइज कर ली तो अल्टीमेटली फिर वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। सो टेक एन एग्जाम्पल, बल्कि एक काम करते हैं, मैं थोड़ी सी वैल्यू को कम कर लेता हूं एंड लेट्स मेक इट 8,000, और ज़्यादा अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो डॉटर को जो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जा रही थी वो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू गई 8,000 की। अब इसमें से हमने एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करना शुरू किया, तो एनुअल एग्जेम्पशन करंट ईयर की माइनस हुई, करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन हमारे पास कितनी होती है 3,000 की। क्या पिछले साल कोई गिफ्ट मौजूद है 19-20 में? आंसर इज नो, तो हम लास्ट ईयर का इसमें से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लास्ट ईयर का पूरा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया, पिछला साल ख़त्म हो गया और हमारे पास 2,000 का अमाउंट बच गया एज अ चार्जेबल अमाउंट। अब नेक्स्ट गिफ्ट जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है 2,80,000,
उस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में आप शो करेंगे कि आपकी एनुअल एग्जेम्पशन पहले गिफ्ट के ऊपर यूटिलाइज हो चुकी है। तो हमारे पास जो एनुअल एग्जेम्पशन है वो एनुअल एग्जेम्पशन यहाँ पर क्योंकि यूटिलाइज हो चुकी है सो दैट वुड बी ज़ीरो एंड द इंटायर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बिकम्स दी चार्जेबल अमाउंट। तो सीक्वेंस को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जो पहला गिफ्ट आएगा वो एलिजिबल होगा पहली एग्जेम्पशन के लिए। अगर वो एग्जेम्पशन वो क्लेम कर लेता है तो अल्टीमेटली सबसीक्वेंट गिफ्ट के ऊपर कोई एग्जेम्पशन आगे नहीं मिलेगी। इसको आगे अगर हम कनेक्ट करें अपने नोट्स के साथ दोबारा, एक ओवरव्यू हमने लिया पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर का। ओवरव्यू में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमने इसकी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह नहीं की, इट जस्ट एन ओवरव्यू। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लाइफ टाइम का डिस्कस किया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या हो सकता है पॉसिबल। सो अ चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर दैट इज सी एल टी, जो कि ट्रस्ट को किया जाता है। सो अ सी एल टी इज अ ट्रांसफर विच इज मेड टू अ ट्रस्ट विद अ सी एल टी। आई एच टी इज चार्जेबल एट द डेट ऑफ गिफ्ट यूजिंग दी निल रेट बैंड इन फोर्स एट दैट डेट। ये निल रेट बैंड हम थोड़ी देर में या अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन जो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है उसके अंदर भी हमारी कैलकुलेशन का तरीका वही होगा। सबसे पहले हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू लेंगे, जो भी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है उसमें से रिजल्टिंग एग्जेम्पशंस हम माइनस कर देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दी एनुअल एग्जेम्पशंस, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा नहीं है सारी एग्जेम्पशन डिस्कस करने का। तो मैंने आपको एक एनुअल एग्जेम्पशन का एक स्लाइड सा आइडिया दिया कि किस तरीके से हमारी एनुअल एग्जेम्पशन अप्लाई होंगी, और उसके बाद फिर हमारे हाथ में एक अदद चार्जेबल अमाउंट आएगा। फर्क ये है कि पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर पे तो टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर होगा तो इस चार्जेबल अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स की कैलकुलेशन करके दिखानी है। सो अ सी एल टी इज अ ट्रांसफर मेड इन लाइफ टाइम टू अ ट्रस्ट, इट इज इमीजिएटली चार्जेबल टू आई एच टी। टैक्स इज टू बी पेड बाय आइदर डोनर और डोनी विच इज ट्रस्ट। डोनर रेट ऑफ टैक्स इज 25% एंड द गिफ्ट इज ट्रीटेड एज नेट गिफ्ट, एंड द डोनी टैक्स रेट इज 20% एंड द गिफ्ट इज ट्रीटेड एज ग्रॉस। ये ग्रॉस और नेट का चक्कर भी आपको कैलकुलेशन में समझाया जाएगा कि वाई देर इज अ डिफरेंस वेन डोनर पेज द टैक्स बिकम्स 25% और वेन डोनी पेज द टैक्स बिकम्स 20%। इसका आगे जाके डिस्कशन हमारी होगी। यहाँ पर भी सेम 7 years वाला रूल फॉलो होगा, और जो भी पीईटी की कैलकुलेशन जैसे की जाएगी डेथ के ऊपर, तो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डेथ का मैंने आपको ऑलरेडी 7 साल का रूल बता दिया है कि अगर डोनर विद इन 7 years मर जाता है तो फर्दर टैक्स लगेगा और वो ट्रस्ट को देना पड़ेगा, और अगर वो 7 साल गुजार लेता है तो फिर इसके बाद फर्दर टैक्स यूजुअली नहीं लगाया जाता। अब देखिए ये एक प्रोफॉर्मा है जो कि चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर की एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इस पे फोकस करें, इस प्रोफॉर्मा पे फोकस करें, तो देखें सबसे पहले हमने ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ली, ये या तो गिवन होगी या हमें कैलकुलेट करनी होगी। फिर इसके अंदर से आपने एग्जेम्पशन सारी माइनस की, जितनी भी अदर एग्जेम्पशंस थी, आपके पास एक चार्जेबल अमाउंट आया। उसके बाद आपने इसमें से एक रिलीफ माइनस किया, उस रिलीफ का नाम है निल रेट बैंड, वो माइनस किया तो आपके पास एक अदर टैक्सेबल अमाउंट आया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट। जब आप टैक्सेबल अमाउंट तक पहुंच जाएंगे तो आपका या तो 20% टैक्स लगेगा या 25% टैक्स लगेगा, डिपेंडिंग ऑन के वो पे कौन कर रहा है। अगर डोनर दे रहा है तो रेट अलग होगा, और अगर डोनी देगा तो वो रेट अलग होगा। तो इस तरीके से हम इस प्रोफॉर्मा को आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं।